हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है Yamaha की एक बढ़िया बाइक जो है एफ जेड एस के नाम से जानी जाती है बहुत पहले से आ रही है इसका वी थ्री और वी फोर मॉडल तो आज मैं आप लोगों को इस दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा कि इसमें जो है क्या चेंजेस हुए हैं वी फोर में वी थ्री के मुताबिक स्टार्टिंग चेंजेस आपको अलग ही दिखना होगा बाकी अपन एक कर सुबह तो ये है रसोलिया रोड पे यामा का एक शोरूम सुबेर एंटरप्राइजेस करके यहाँ पे आप आ सकते हैं यामा की जो भी आपको बाइक परचेस करनी है यहाँ पे आप आके देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर प्रकार की यामा की बाइक देखने को मिल जाती है शंगाबाद में आए रसूलिया रोड पर आप देख सकते हैं बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूँगा अपन इसके मेन चेंजेस में आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फुल्ली एल सेटअप देखने को मिल जाता है विद डी और इसमें आपको जो है इंडिकेटर भी फुली एल दे दिए गए हैं बल्कि वहीं अपन V3 पे जाए तो आपको यहाँ पे हेलोजन सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको इसकी पार्किंग लाइट भी जो है हेलोजन देखने को मिलती है भले ही डी जरूर उसमें उन्हें डी बोल रहा हूँ मतलब इसमें हेडलाइट ज़रूर वाइट है पर इसमें जो है पार्किंग लाइट इसमें हेलोजन में ही है बल्कि यहाँ पर आपको डी देखने एल बाकी आप ऊपर आ जाएँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ मास्क ब्रॉडर दिखेगा बाकी या माँ का साइन दिखेगा और यहीं आ जाए तो थोड़ा सा मार्क आपको शेप्ड मिलेगा और या माँ का यहाँ पे भी लोगो मिलेगा मड गार्ड में देखा जाए तो कोई ऐसे ऑल चेंजेस नहीं है ना कि सस्पेंशन में चेंज है बस इसका चेहरा थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया और थोड़ा हैंडसम हो गई है और यहाँ थोड़ा सा चेहरा छोटा छोटा सा दिखता है बाकी आपको फ्रंट में अगर हैंडल भी बात करें तो हैंडल प्रोफाइल भी बार हैंडल जो है इतना कोई फ़र्क दिख नहीं रहा आपको पहले इसमें बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस नहीं है जो पहले और अब में सेम आते हैं वो है इसका इंजन इसका डिसप्लेसमेंट और इसमें आपको टायर प्रोफाइल और टायर जो है सेम प्रोफाइल के मिलते हैं सेम कंपनी के मिलते हैं डिस्क भी आपको सेम मिलते हैं दोनों जो है ए सिंगल चैनल पर भेज दें और आपको जो मेजर चेंज मिलता है वो आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ जैसे फेस मैंने बताई दिया मीटर है और एक बैकलाइट है ऐसे कुछ मेजर चेंजेस हैं जिसके बारे में आप धीरे धीरे बात करेंगे और साइलेंसर भी आप देख सकते हैं जैसे वहाँ पे स्टील फ्रेम आता था वी फ्री में और यहाँ पे आपको कलर लेमिनेटेड ही दे दिया गया है ऐसे कुछ माइनर चेंजेस जो है दोनों गाड़ियों में आए अब अपन चलते हैं इसके मीटर कंसोल पर दोनों के मीटर की बात करें तो आप देख सकते हैं वी का मीटर जो है छोटा सा आपको देखने को मिलता था बहुत छोटी सी से एल सेटअप में बल्कि वहीं आपको यहाँ पर वी में एम का मीटर जो है दे दिया गया है और जो है इसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी कोई ज़्यादा खास मिलती नहीं थी एक नॉर्मल सा मिलता था जबकि सिर्फ ट्रिप बताता था ओडोमीटर बताता था टाइम बताता था स्पीड बताता था और इसमें जो है आपको आर बताता था और वही जनरल सी जो है चीज़ें ए बी एस हेड हेडलाइट का स्विच और इंडिकेटर न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस देने के लिए और बाकी फ्यूल नेविगेशन बाकी आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी चीज नहीं था मतलब बिल्कि यहीं पे आपको मैक्सिमम चीज़ें चेंज दे दी गई हैं जैसे यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी माइलेज सेटअप मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि मेन फीचर है वो मिल जाएगा ट्रिप वन ट्रिप ए का ट्रिप वन ट्रिप टू फाइनल ट्रिप का आपको माइलेज मिल जाएगा बाकी थोड़ा बड़ा मीटर मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा यहाँ पर यामा का यूम्यूनिट यहाँ पर लोगो मिल जाएगा ऐसे कोई मीटर में बढ़िया से चेंजेस ला दिए गए हैं और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको इससे कंपेयर करें बाकी अगर हैंडल बार प्रोफाइल में बात करेंगे इस तो मुझे ऐसी कोई हैंडल बार प्रोफाइल में चेंजेस नहीं लगे आप जैसे देख सकते हैं स्विचेस बिल्कुल सेम है इसके भी स्विचेस बिल्कुल सेम है और हाँ अगर आपको V4 की डेडिकेटेड वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनी रखी है आप उस पर जाइए V4 की डेडिकेटेड वीडियो देख लीजिए बैक प्रोफाइल भी एक मेजर चेंज है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलता था और इंडिकेटर भी हेलोजन देखने को मिलते थे बाकी ये प्रोफाइल सेम थी रिफ्लेक्टर्स वगैरह पार्किंग यहीं की यहीं दे दिया था पर यहाँ पर अगर आप बात करें तो आपको एम टी की लाइट देखने को मिल जाती है फुली एल और इंडिकेटर भी एलईडी देखने को मिल जाते हैं बस यहाँ पे भी पार्किंग लाइट जो है हेलोजन देखने को मिलेगी बाकी रिफ्लेक्टर दोनों के सेम है टायर प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम है बस कलर उस कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस है बाकी सब कुछ सेम है यहाँ तक कि साइलेंसर का साउंड वगैरह सब कुछ सेम है इसके टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो टैंक कैपेसिटी भी बिल्कुल सेम है और दोनों ही ई ट्वेंटी बेस्ड हैं तो उसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊँ बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं और अगर आपको पता करना नहीं है तो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है तो आपको दो, दो, दोनों दोनों में से जो चाहिए हो आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ तक सुनने में आया है वी थ्री बंद होने वाली है वी फोर क्योंकि बहुत पहले की आ चुकी है तो आप देख सकते हैं बाकी चेंजेस मेजर जो थे वो मैंने आपको बता दिए और इसके प्राइस डिफ्रेंस के ऊपर बात करते हैं अपन अगर आप इसके प्राइस रेंज चेंजेस की बात करें तो आपको इन दोनों में अच्छा खासा प्राइस रेंज का अंतर देखने को मिल जाता है अगर मैं एफ़ जेड वी थ्री की बात करूं, एफ़ जेड एस वी थ्री की तो आपको एक्स शोरूम प्राइज़ जो है एक लाख सोलह हज़ार पाँच सौ का मिलता है और ऑन रोड प्राइज़ जो है एक लाख उनचालीस हज़ार रुपये का देखने को मिल जाता है वहीं अगर आप एफ़ जेड वी फोर एफ़ जेड एस वी फोर की बात करें तो वन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एक मिलेगा और ऑन रोड की बात करें तो वन सिक्सटी टू थाउजेंड का आपको देखने को मिल जाता है ये जो ऑन रोड प्राइस है मैं आपको सुबेर इंटरप्राइजेज़ यहाँ होशंगाबाद रसूलिया रोड पे बता रहा हूँ तो so वैस यही कुछ कंपैरिजन था दोनों बाइक के बीच में V3 और V4 के बारे में आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे मोर इफॉर्मेटिव वीडियोस को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक बाइक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करना मैं कोशिश करूँगा उस बाइक पर वीडियो बना के लाऊँ और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड चाहिए हो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन ला के दूँ बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग राइडर राइड से स्टेशन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में